गोल्डन कार्ड को लेकर कुछ जरूरी इतला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कई सारे फोन कॉल्स आते हैं, कई सारे लोग बाकायदा तौर पर इस वक्त परेशान है, हाल है। जितने भी किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जितने भी सीए के पेशेंट्स हैं, वो इस वक्त परेशान हाल हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाकायदा तौर पर गोल्डन कार्ड पे जो है वो मुफ्त में इलाज किया जाता था, उसी तरीके से लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको बताया जा रहा है, यानी कि तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम अब इलाज नहीं करेंगे। पिछले कई महीनों से जो है उनका जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं हुई है। और जो इफको टोक्यो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है जो कि तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें प्रोवाइड करती है पैसे, जितनी भी पेमेंट है वो उनको प्रोवाइड करती है, जो भी इलाज जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में हो, प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें होता है। अब आपको बता दूं कि उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया। तो जितने भी लोग हैं इस वक्त परेशान हाल हैं, कई सारे प्रोटेस्ट भी जो है वो देखने को मिले हैं। और इसी बीच कई सारे लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि डायलिसिस जो है वो अब नहीं दिया जा रहा, अगर दिया जा रहा है तो उस पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं, मगर एक गरीब के पास किस तरीके से पैसे होंगे, कैसे होंगे वो अल्लाह ही जाने। इस वक्त गोल्डन कार्ड के हवाले से ये बताया जा रहा है, तमाम लोग परेशान हाल हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये भी बताना बेहद ज्यादा ज्यादा जरूरी समझूंगा, जिस तरीके से आयुष्मान भारत सर्विस जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में दी जा रही थी, मुफ्त में इलाज किया जा रहा था, मुफ्त में लोगों को जो है एक सहायता मिलती थी, और यही एक स्कीम थी जिसके कारण मोदी जी का नाम होता था, और यही वो स्कीम थी जिसके कारण जो है मोदी जी को कहीं ना कहीं लोग अपने दिल में बसाते थे। मगर आपको बताना चाहूँगा कि इसी चीज़ को लेकर अब लोग परेशान हाल हैं और लोग कहते हैं कि हमारी आखिरकार कोई सुने ताकि हमें राहत की सांस जो है वो मिल सके। इस वक्त अगर देखें तो कई सारे पेशेंट्स हैं, आप अगर तकाजा लगाएं तो अब ये भी कहा जा रहा है कुछ सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर भी जो है वो कार्ड नहीं पकड़ रहे और ना ही उस पर इलाज हो रहा है। तो जिस तरीके से तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इलाज करते थे इस पर, उनकी जानिब से मना कर दिया है, और वजूहात सिर्फ यही बताई है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानिब से यही गुहार लगाई जा रही है कि उनकी पेमेंट जो है वो रिलीज नहीं हुई है। करीबन 300 के करीब जो है ये मामला बन चुका है और 300 करोड़ के करीब ये मामला बन चुका है, और इसी के साथ साथ लोग अब इस तरीके से परेशान हैं कि आप वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तक और हिंदुस्तान की जो इंतज़ामिया है उन तक ये खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि इस वक्त लोगों को उनकी ज़रूरत है। और अगर इस वक्त वो इस तरीके से इस कार्ड का पेमेंट नहीं करते, वो आयुष्मान भारत जो सर्विस है वो लोगों को सही तरीके से नहीं देते, तो लोगों को एक बहुत ही बड़ा जो है वो दर्द महसूस करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश की, जिसमें लेकर गोल्डन कार्ड के हवाले से कई सारी चीज़ें थी आयां की आप तक। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के।